एक तो ये कि अपने घर में बात ना करो, इफ यू कोई चीज परेशान कर रही है, अपसेट हो रहे हो कोई, यू नो, तो घर में डिस्कशन ना करो, घर से बाहर करो, दोस्तों से करो, कोई एक आधी दोस्त ढूंढो, सारे मोहल्ले से बात ना करो, हर जगह बैठ के ना डिस्कशन करो, ये ना हो कि लोग आपको बुलाना छोड़ दें। बार बार ना ले, एक और बात मेरी फ्रेंड ने की थी और बहुत अच्छी कहती है, मेरी अम्मी कहती है कि बार बार उस चीज को रिपीट ना करो। हाँ, रिपीट ना करो, वो रिपीट कर करके आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं, आपके ब्रेन को ये नहीं पता कि ये चीज मतलब पास्ट में थी या जो भी, वो उसको फील करेगा और वो आपको उसी मोड में ले जाएगा। आप देखो जब भी पुरानी कुछ चीज आप याद करते हो आपको लगता है ये तो अभी हुआ था, और इतना फ्रेश वो हो जाता है। बिल्कुल, तो वो बहुत अच्छा ये टिप है कि आप बार बार रिपीट ना करें, जैसे आपने कहा है कि एक आधे बंदे से बात कर लो बस, दैट्स इट, फिर ये नहीं है कि सारे दिन उसी की बात करते रहो। वैसे भी जो हर महफिल में बैठ के उसकी कहानी ना डालो तो लोग थक जाएंगे, पता चले लोग आपको बुलाना छोड़ देंगे, तो यही कहानी सुनाते हैं। आपके गम में कोई शामिल भी नहीं होता, वो उस वक्त आपको ठीक है हूँ हाँ कर देंगे, लेकिन मशवरा भी कोई नहीं, जेन्युइन भी हर कोई जेन्युइन नहीं होता, और उसकी हर जगह कहानी आपको डालने की जरूरत नहीं। तो अपने चंद एक आधी फ्रेंड, उससे बात आपने कर ली, उसने आपका हाल भी पूछ लेगा, वो पूछ लेगा या पूछ लेगी, आपने उसको अपना, और उसके बाद फिर आपने अपनी एक रूटीन, आपने अपनी रूटीन को नहीं छोड़ना, आपने अपनी नींद को पूरा करना है, लेकिन सारा दिन बिस्तर में नहीं लेटे रहना, वो डिप्रेशन की सबसे बड़ा साइन है। और उठ के अपना कोई, आपने कोई एक्टिविटी करनी है, जैसे आपने मेलेट से कि आपने कोई वॉक पे जाना है, आपने कोई एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, कोई गेम खेलनी है, बच्चों के साथ जो आपकी कोई एक्टिविटीज हैं उनको, बल्कि उस वक्त खास तौर पे करो उस पर, खुद भी स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पोर्ट्स में हिस्सा जरूर लो अगर ले सकते हो तो, मर्द आई एम श्योर औरतें भी ले सकती हैं, मर्द भी ले सकते हैं, सभी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर आपको मिल जाती है किसी किस्म की, दौड़ी लगा बाहर जाके दौड़ के देखो, ऐसी सांस चढ़ेगा कि आपको वापस आके खुद सारे गम दुख भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। बस अपने आप को टाइम दो, अपने आप को भी अकेले में टाइम दो, बिकॉज सिर्फ यही नहीं है कि सैलून जाके तो कुछ करा लिया, वो भी एक ठीक है, वो जरूर करो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपने आप को टाइम देने का मतलब जैसे मैंने कहा है और नायला ने भी कहा है, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी आप करें, क्योंकि वो बहुत हेल्प करती है, लोग उसको सबसे लास्ट रखते हैं और सबसे पहले अगर कर रहे हो तो सबसे पहले छोड़ते भी हैं, सबसे पहले छोड़ते, सिचुएशन चेंज हो फौरन छोड़ते हैं। नायला आपके सामने मैं इधर आती हूँ तो भी कर रही होती हूँ, मैं कहीं और जाती हूँ मैं तो भी कर रही होती हूँ, बिकॉज जिस तरह खाना खाना है उसी तरह इन चीजों को अगर आप आदत बनाएंगे, ये आपके लिटरली ये आपके बेस्ट फ्रेंड्स है, किसी ने आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, किसी ने मुझे नहीं छोड़ेंगे तो। अब हमारे सबके सामने की जिंदगी कितनी लंबी हो गई है, किसी ने मुझे कहा कि 125 साल की उम्र अब रियल होती जा रही है, बिल्कुल, तो अपना ख्याल अभी से कर लो कि तब ये ना हो कि इतनी लंबी जिंदगियां जो सामने नजर आ ही रही है, कि फिर जितनी लंबी जिंदगी उतना अच्छा बेहतर खाना खाओ, उतनी अच्छी एक्सरसाइज करो, ताकि जितनी भी अल्लाह ने जिंदगी दी चलते फिरते पॉजिटिव रहो।